भागलपुर के नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विनोबा गांव के पास थाना क्षेत्र के ही केलावाड़ी गांव के किसान 50 वर्षीय राजेंद्र भगत की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। जानकारी मिली है कि घटना के तुरंत बाद किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों ने आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज के क्रम में राजेंद्र भगत की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। राजेंद्र भगत के सीने में एक गोली मारी गई है, जबकि उसके चेहरे पर भी किसी भारी भरकम हथियार से कई बार प्रहार किया गया है। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। मृतक राजेंद्र भगत की पुत्री किरण कुमारी की शादी 21 मई को होने वाली थी। शादी के खर्च के लिए राजेंद्र ने अपनी जमीन बेच दी थी। परिजन बता रहे हैं कि गुरुवार को सुबह राजेंद्र को जमीन खरीदने वाले व्यक्ति ने 4 लाख रुपए लेने के लिए बुलाया था। वहीं परिजन का कहना है कि अब जमीन के खरीदार ने राजेंद्र को रुपए दिए या नहीं दिए यह उन्हें पता नहीं है। परिजनों का कहना है कि घटनास्थल के पास से ही किसी ने घटना की सूचना उन लोगों को दी, जिसके बाद वो लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल ले गए। परिजनों ने बताया कि गाँव के ही कार्य मंडल प्रकाश मंडल और ससेंद्र मंडल से राजेंद्र का जमीन विवाद चल रहा था। तीनों राजेंद्र को बराबर धमकी देते ही रहते थे। घटना के बाद मृतक की पुत्री किरण की शादी टल गई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जमीन विवाद में भी हत्या की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जबकि यह भी आशंका प्रबल है कि पैसे छिनतई करने के लिए किसान को गोली मारी गई। जबकि सूत्रों से पता चला है कि सुनियोजित तरीके से किसान को पैसे लेने के लिए बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस्माइलपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर के नवगछिया से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। पापा बोल रहा था कि विनोबा आएंगे दूध लेने के लिए, तो पापा को हम बोले नहीं आने के लिए, तो पापा भी आ गया, बोला कि हम तुरंत आ जाएंगे। तो यहाँ से पापा फोन किया कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं, तो रास्ते में ये सब घटना आया, तो हमको कॉल गया गरैया से कि ऐसे ऐसे बात है। हम तब कॉल किए तो पापा वाला मोबाइल व्यस्त बता रहा था। क्या क्या सूचना मिली थी आपको? कि गोली लग गया है। आपको कौन इन्फॉर्मेशन दिया था? वहाँ गृहस्थ सब मकई कटा रहा था, जन सब फोन किया था। पिताजी का नाम क्या? राजेंद्र भगत। उनकी उम्र क्या होगी? उम्र कितना? 50 होगा। कार्य मंडल प्रकाश मंडल ससिंदर मंडल से झगड़ा पहले से था, के खेत जमीन सब का पहले से धमकी दे रहा था, और इधर जो है जमीन जो अभी बेचा है दूसरे को वही पैसा लेने के लिए बुलाया था। दूसरा वही मतलब प्लाट में दूसरे नाम हमको पता नहीं है, क्या नाम है उसका, विनोबा का है। मंडल के पास बेचा जमीन, बात आपको देंगे 4 लाख रुपया। वो बुलाया उधर आदमी पहले से भी सेटिंग करके रखा था, पैसा दिया नहीं दिया नहीं जानते हैं हम। बेटा के देख लीजिए, बेटा रात भर मेहनत की है। हम फ्री में शादी करने के लिए पढ़ी लिखी लड़की थी, एक तो बेटा मेरा सब घर में 10 लाख कर्ज करके रखे है। इसका शादी था क्या? गोली भी मारा है, गोली है और पता नहीं पूरा कुलारी से जो सर को कुछ दिया है, 3-4 जगह है कुलारी से कुछ दिया है। आपका घर कहाँ? केलावाड़ी। कौन सा थाना पड़ता है? इस्माइलपुर थाना। आपका नाम? किरण कुमारी।